सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर, वो है एक मैट्रिक्स गिवन है ए अल्फा एंड हमें शो करना है ए अल्फा रेस्ट पावर एन टू बी दिस मैट्रिक्स। सो हम इसको प्रूव वैसे ही करेंगे जैसे हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए करते हैं। वी विल फर्स्ट चेक इट फॉर एन इज इक्वल्स टू वन। तो देखते हैं for n is equals to 1 ये बनेगा लेफ्ट हैंड साइड विल बी a alpha raised to power 1 which is cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, right? So this is your left hand side, right hand side देखेंगे। So right hand side यहाँ पर हमारे पास सीधा मैट्रिक्स में हमें पुट करना है 1, तो वन पुट कर रहे हैं विच इज नथिंग बट यही आ जाएगा। सो मतलब इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू वन। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल अज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू, सो लेट अस अज्यूम इट इज ट्रू फॉर n is equals to k। तो n is equals to k के लिए अगर true है तो यही same statement हम k के लिए लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा, a alpha raised to power k will be equals to cos k alpha sin k alpha minus sin k alpha cos k alpha। इसको star mark कर लेंगे क्योंकि हमेशा ये use होता है हमारे पास third step में। और थर्ड हमें बस प्रूव करना है, टू प्रूव फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। लिख लेते हैं क्या प्रूव करना है। स्टेटमेंट बनेगी ए अल्फा रेस्ट पर के प्लस वन इज इक्वल टू, ये आ जाना चाहिए कॉस ऑफ के प्लस वन अल्फा साइन ऑफ के प्लस वन अल्फा माइनस साइन ऑफ के प्लस वन अल्फा एंड कॉस ऑफ के प्लस वन ऑफ। तो हम कैसे प्रूव करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को ही राइट हैंड साइड के इक्वल लाना चाहते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज दिस विच कैन बी रिटन एज, हमेशा ब्रेक करके लिख लेंगे इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो ए अल्फा रेस्ट पर के फ्रॉम स्टार, हमारे पास ये मैट्रिक्स है, हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एंड ए अल्फा जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो बेसिकली ये क्वेश्चन बन गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का ही। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड रिजल्टिंग मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। कर लेते हैं मल्टीप्लाई, क्या होगा, रो वन विथ कॉलम वन करना है, रो वन विथ कॉलम वन। तो कॉस के अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन के अल्फा साइन अल्फा एंड बिकॉज इट इज ऑफ माइनस तो बीच में हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन, राइट। देन नेक्स्ट एलिमेंट रो वन हम करेंगे विथ कॉलम टू के साथ, तो रो वन विथ कॉलम टू इट विल बी कॉस के अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन के अल्फा कॉस अल्फा, राइट। देन हमारे पास आएगा दिस इज रो टू एंड कॉलम वन, तो रो टू कॉलम वन पे आएंगे, रो टू को कॉलम वन से करेंगे। सो दिस इज माइनस ऑफ कॉस अल्फा साइन के अल्फा माइनस ऑफ कॉस के अल्फा साइन अल्फा एंड देन हमारे पास आएगा रो टू विद कॉलम कॉलम टू दैट इज माइनस साइन के अल्फा साइन अल्फा
plus cos k alpha cos alpha. So this becomes, by the identity, by the formula, cos A cos B minus sin A sin B, which is cos of A plus B. Then similarly, this is sin A cos B plus cos A sin B. So this becomes sin A plus B. Then next, दोनों में से negative बाहर ले सकते हैं. So negative बाहर निकालेंगे. So this will be cos A cos B, sin A cos B plus cos A sin B. So this can be written as sin A plus B, and this is cos A cos B minus sin A sin B. That is cos of A plus B. So the identities that we have used are cos A cos B minus sin A sin B, which is cos of A plus B, and sin A sin B, sin A cos B plus cos A sin B, which is sin A plus B. So this becomes cos of k plus 1 alpha sine of k plus 1 alpha minus of sine k plus 1 alpha and cos of k plus 1 of alpha, which is equals to right inside. So we have root. It is true for n is equals to k plus 1. Hence true for all n. So this was the question on principle of mathematical induction. And from here we can see that ये एक result है जो हम याद रख सकते हैं for any further use. Result क्या है? अगर A matrix यही matrix है, it cannot be any other matrix. अगर कुछ और आएगा तो हमें इसके लिए पहले verify करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने इसके लिए किया. तो अगर A matrix ये है, तो A to the power n जो बनता है, वो basically वो power cos sin के एंगल में आ जाती है. तो इससे हमारे पास दो रिजल्ट्स हैं जो हम याद रखेंगे. रिजल्ट है, इफ ए इज मैट्रिक्स दिस, देन ए टू द पावर एन इज cos n alpha sin n alpha minus sin n alpha cos n alpha. और अगर ये नेगेटिव साइन सिर्फ ऊपर नीचे हो जाता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही सेम मैट्रिक्स होल्ड करती है. तो बेस्ड ऑन दीज टू रिजल्ट्स हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम ये फाइंड करके देखते हैं. If matrix raised to power k is given to be the identity matrix, then they're asking you the least positive integral value of k. निकालनी है. तो सबसे पहले तो
क्योंकि ये cos माइनस साइन साइन cos वाला ही मैट्रिक्स दिख रहा है और रिजल्ट अभी हमारे पास है फ्रॉम सेकंड फ्रॉम स्टार, ये रिजल्ट हमारे पास होल्ड करता है. तो मैं यही सेम अप्लाई कर सकती हूँ. क्या बन जाएगा ये cos k ऑफ 2 पाई बाय 7 माइनस साइन के ऑफ 2 पाई बाय 7 साइन के ऑफ 2 पाई बाय 7 कॉस के ऑफ 2 पाई बाय 7. आई हैव यूज्ड द सेम रिजल्ट, यही रिजल्ट है. इक्वल्स टू किसके होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के. सिंस द मैट्रिसेस आर इक्वल सो द करस्पोंडिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल. तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम कोई भी दो करस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वेट कर सकते हैं. सो दैट इज योर चॉइस, आप इसको इक्वेट करो या इसको इक्वेट करो. तो हम जीरो को कर लेते हैं, सेकेंड वाले को कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है साइन की वैल्यू जीरो कब होती है. साइन इज जीरो एट जीरो, साइन इज ऑल्सो जीरो एट पाए टू पाए एन पाए, राइट. सो यू कैन राइट इट इक्वल टू एज साइन ऑफ, क्या लिखा जा सकता है, साइन ऑफ एन पाई लिख सकते हैं, राइट. तो साइन ऑफ एन पाई हम अगर इसको लिखते हैं, या बेसिकली अगर इसको हम जीरो ही रखें तो साइन ऑफ के इंटू टू पाई बाय सेवन इक्वल्स टू जीरो. तो मुझे ऐसा के चूज करना है, इधर से ही देख सकते हैं, ऐसा केस चूज करना है सो दैट आंसर जीरो है बट के शुड बी लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल. तो के अगर मैं जीरो रखूं तो इट इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, नहीं है तो रख नहीं सकते. के को अगर वन रखेंगे तो इट विल बी साइन ऑफ टू पाई बाय सेवन, अब वो हमारे पास जीरो नहीं होगा. साइन सिर्फ जीरो किसके होता है, जीरो पाई टू पाई थ्री पाई एंड सो ऑन. तो सबसे लीस्ट जो अभी बन पाएगा पॉजिटिव इंटीजर वो पाई के लिए बन पाएगा, एंड वो कब होना चाहिए, जब के की वैल्यू क्या बन जाए, के शुड बी सेवन, क्योंकि सेवन इंटू टू पाई बाय सेवन इसको कैंसिल करके बना देगा टू पाई, राइट. सो के विल बी इक्वल्स टू सेवन. एक और रिजल्ट हमारे पास है ऑन मैट्रिसेस जो हम याद रखेंगे, दीज आर रिजल्ट्स फॉर वन मार्कर्स. इतने इम्पोर्टेंट नहीं है बट वन मार्कर में ये पूछे जा सकते हैं. तो अगर ए मैट्रिक्स हमारे पास है कभी भी कांस्टेंट जीरो जीरो कांस्टेंट, बेसिकली ए अगर एक स्केलर मैट्रिक्स है तो ए टू द पावर एन क्या हो जाता है, वो स्केलर की पावर एन बन जाता है. तो उसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन है, हम करके देखते हैं. ए मैट्रिक्स देखिए, एक स्केलर मैट्रिक्स गिवन है, हमें शो करना है ए टू द पावर फाइव विल बी 16 टाइम्स ए. तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्टार्ट कर सकते हैं विद ए टू द पावर फाइव से. नाउ ए टू द पावर फाइव का मतलब है मैट्रिक्स की ही पावर हम फाइव कर रहे हैं, दैट इज टू टू द पावर फाइव जीरो 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 टू टू द पावर फाइव जीरो 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 टू टू द पावर फाइव. अब जिसके इक्वल लाना है हम उसके टर्म्स में लिखने की कोशिश कर लेते हैं. 16 टाइम्स ए लिखना है. तो पहले तो ए मैट्रिक्स क्या है मैं वो देख सकती हूँ. ए मैट्रिक्स है टू जीरो 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 टू सॉरी जीरो टू जीरो एंड जीरो जीरो टू, ये है हमारे पास. तो बोला गया है 16 टाइम्स ए लिखकर दिखाओ, तब ये शो हो जाएगा. तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ब्रेक 2 टू द पावर 5 एज 2 टू द पावर 4 इंटू 2 लिखा जा सकता है. तो हर जगह मैं इसको 2 टू द पावर 4 इंटू 2 2 टू द पावर 4 इंटू 2 लिख सकती हूँ, लिखा जा सकता है. नाउ जैसे अगर ए को हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो बेसिकली हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है. तो इसका ये भी तो मतलब है कि जब आप
कभी एक मैट्रिक्स में से कॉमन लेना चाहोगे तो वो हर एक एलिमेंट से बाहर आएगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट से होगा तो कॉमन भी तो हर एक एलिमेंट से ही बाहर आएगा। तो मैं इधर से 2 to the power 4 अगर कॉमन लेना चाहूँ तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा, 0 में से 2 to the power 4 कॉमन लेंगे तो 0 बचेगा, 0 0 2 0 0 0 2। सो दिस बिकम्स 2 to the power 4 इज नथिंग बट 16 एंड इट इज द सेम मैट्रिक्स विच इज नथिंग बट 16 into A। दूसरे तरीके से भी इसको हम कर सकते हैं, आप 8 to the power 5 अलग इवैल्यूएट कर सकते हैं एंड 16A अलग इवैल्यूएट कर सकते हैं। सो बोथ आर द राइट वेज टू डू इट। तो हमने यहाँ 3 रिजल्ट देखे जो 1 मार्कर के लिए आते हैं। एक तो ये ए मैट्रिक्स गिवन है तो ए टू द पावर एन कॉस अल्फा साइन अल्फा वाली मैट्रिक्स क्या बनती है, और एक रिजल्ट हमने देखा इफ ए मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स है तो ए टू द पावर एन विल बी वो स्केलर की पावर एन। एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड जो एक बार 4 मार्क में आई थिंक पूछा गया था बोर्ड्स में, वो भी हम करके देखते हैं। इट इज ऑल्सो ऑन पीएमआई। बोला गया है इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस such that they commute। सबसे पहले तो कम्यूट का क्या मतलब है हम वो समझ लेते हैं। अगर ए और बी मैट्रिसेस हैं वो कम्यूट करती हैं, कम्यूट मतलब कम्यूटेटिव लॉ, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है तो कम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन में देखा। सो दिस इज गिवन टू अस, मैट्रिसेस आर कम्यूटेटिव। तो बोला गया है शो दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन ये होल्ड करेगा, क्योंकि इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर के लिए कुछ प्रूफ करना है तो हम हमेशा पीएमआई ही यूज करेंगे। तो हम पीएमआई से स्टार्ट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू पीएमआई आप क्या करेंगे, चेक करेंगे फॉर एन इज इक्वल्स टू 1 के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड इसका क्या हो जाएगा ए बी टू द पावर 1 एंड राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा बी raised to power 1 a, and also because the matrices are commutative you can mark this as star, from star आप इसको लिख सकते हो as a b। तो left hand side is equals to right hand side, it is true for n is equals to 1, true हो गया। अब हम करेंगे second step, that is आप assume कर लेंगे, let us assume for n is equals to k। तो अगर अज्यूम करते हैं n is equals to k के लिए, so this will be a b raised to power k equals to b to the power k a, यही होगा। इसको हम मार्क कर लेते हैं डबल स्टार, ये यूज होगा हमारे पास कहीं ना कहीं। और थर्ड स्टेप क्या होता है पीएमआई में, टू प्रूव for n is equals to k plus 1, प्रूव करके देखते हैं n is equals to k plus 1 के लिए। दैट इज हमें प्रूव करना होगा a b raised to power k plus 1 should be equals to b to the power k plus 1, ये हम प्रूव करना चाहेंगे। हमेशा की तरह लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके राइट हैंड साइड तक पहुंचना है, राइट। तो ये कैसे लिखा जा सकता है, आप b को लिख सकते हो b to the power k into b, right? Also, this can be written as a b to the power k into b, right? And by double star, abhi humne peeche dekha, this can be written as b to the power k a into b. Likh sakte hain? So this can also be written as b to the power k ab, I can multiply these two and hume pata hai ki commutative hai matrices, ab can be written as ba, so I can combine this with b and write this with b, this can be written as b to the power k, राइट।
In the same way, you will try for the second part, that is AB raised to power n is equal to A to the power n, B to the power n. There is a hint to do it. We will be using this result to prove this given condition, this given statement. So, aap iske help se try karke se dekhenge.